नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा साहिन। आज है 5 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है शिक्षक दिवस, जानिए इस वर्ष का क्या है थीम। बालू, गिट्टी और ईंट जैसी सामग्री को अब घर मंगाना होगा आसान। काम के आधार पर तय होगी अधिकारियों की रैंकिंग। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों का ऐसे करें निपटारा। BSNL ने उठाया बड़ा कदम, लॉन्च किए 3 बेहद सस्ते प्लान। IPL 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बन सकते हैं द्रविड़। अब खबरें विस्तार से। RRB ने NTPC भर्ती 2024 के लिए नई अधिसूचना की जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC भर्ती 2024 के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 11,558 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें से 3,445 पद इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, जबकि स्नातक पास के लिए 8,113 पद निर्धारित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2024 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2024 है। RRB NTPC भर्ती 2024 में शामिल होने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी RRB के आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आज है शिक्षक दिवस, जानिए इस वर्ष का क्या है थीम। आज देश भर में शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे एक प्रमुख दार्शनिक, विद्वान और शिक्षाविद थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा दी। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता भी उन्हें प्रदान की गई। 1962 में जब डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो छात्रों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने जन्मदिन को एक विशेष तरीके से मनाएं। उन्होंने इस दिन को अपने जन्मदिन के बजाय शिक्षकों को समर्पित करने का सुझाव दिया। यही कारण है कि आज 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। इस साल का थीम सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। आज वे अपना 48वां जन्म दिवस मना रहे हैं। एक्टर ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म रन के जरिए की थी। पंकज त्रिपाठी अपने करियर में कई यादगार किरदार निभा चुके हैं। उन्होंने फिल्मों के साथ वेब सीरीज में भी काम किया है। उनकी शानदार सीरीज में सीक्रेट गेम्स 2, मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस शामिल है, जबकि एक्टर की शानदार फिल्में सिंघम रिटर्न्स, गुंजन सक्सेना, ओ माई गॉड 2, मसान, सुपर 30, अंग्रेजी मीडियम। उन्हें सबसे पहले बड़ी और खास पहचान मिली थी साल 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से। पंकज त्रिपाठी की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बालू, गिट्टी और ईंट जैसे सामग्री को अब घर मंगाना होगा आसान। बिहार सरकार अब एक क्लिक या फोन कॉल से आपके घर पर कच्चे निर्माण सामग्री की सप्लाई शुरू करने जा रही है। बता दें कि 15 अक्टूबर से आप बालू, गिट्टी और ईंट जैसी सामग्री को घर पर मंगवा सकेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डिमांड डालनी होगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मेहर सिंह ने बताया कि पहले चरण में बालू की सप्लाई शुरू की जाएगी, जिसके बाद गिट्टी और ईंट भी ऑनलाइन डिमांड पर उपलब्ध होंगे। टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। बिहार में वित्त रहित स्कूलों के बकाया अनुदान का भुगतान होगा जल्द। बिहार में वित्त रहित स्कूलों के बकाया अनुदान के भुगतान को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नियमों के अनुसार वित्त रहित शिक्षकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, लेकिन जब इन सुविधाओं का अभाव हुआ तो संबंधित स्कूलों का कोर्स सस्पेंड कर दिया गया था। अब स्कूलों के सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सरकार इस दिशा में काम कर रही है और बिहार में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 2 लाख पदों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है।
वही डोमिसाइल नीति पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य की अपनी डोमिसाइल नीति लागू है और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। काम के आधार पर तय होगी अधिकारियों की रैंकिंग। बीते दिन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बैठक में सभी विभागों के प्रमुखों से बातचीत की। इस बैठक में एक नई घोषणा की योजना की गई, जिसके तहत बिहार के सभी जिलाधिकारियों की रैंकिंग की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों की रैंकिंग उनके द्वारा जिले में संपन्न विकास कार्यों के आधार पर की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे जिलों में बेहतर कामकाज की प्रेरणा और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की राजस्व संग्रह में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि संतोषजनक है। बिहार के 2 शिक्षक राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे सम्मानित। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 50 प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पुरस्कार 2024 के लिए चयनित शिक्षकों में बिहार के 2 शिक्षक भी चयनित किए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनमें बिहार के शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन शामिल हैं। वहीं बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 41 शिक्षकों को राज्य ब्यूरो पटना द्वारा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इनमें 11 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। धूमधाम से मनाया जाएगा शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस। बिहार के मोतिहारी जिले के छौड़ा दानो ब्लॉक स्थित संत कबीर नगर नरूल में आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत के इस विशेष अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनकी शहादत को याद किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति भी देखी जाएगी। शहीद जगदेव प्रसाद के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। डीजल से चलने वाले स्कूल बसों पर लगाए जाने वाले बैन पर लगी रोक। पटना हाईकोर्ट ने डीजल से चलने वाली स्कूल बसों पर लगाए जाने वाले बैन को फिलहाल रोक दिया है। अदालत ने राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए निजी स्कूलों की संगठन की याचिका पर सुनवाई की। सोमवार को दिए गए इस आदेश के मुताबिक पटना में स्कूल बसों का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। आदेश की कॉपी बुधवार को अपलोड कर दी गई है और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तब तक पटना के स्कूल बसों के संचालन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब छात्रों के अनुपात के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापन प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक नई पहल की है। सरकार ने तय किया है कि शिक्षकों का पदस्थापन छात्रों के अनुपात के आधार पर होगा। शिक्षा के अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। इस संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका गठन 8 जुलाई को हुआ था और पहली बैठक 11 जुलाई को आयोजित की गई थी। समिति अब तक 6 बैठक कर चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई है। राज्य के 5.5 लाख शिक्षकों को इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों का ऐसे करें निपटारा। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए आप वार्ड संख्या, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला के साथ शिकायतकर्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर तथा शिकायत के प्रकार लिखकर 8544429024 पर SMS या व्हाट्सएप कर सकते। इसके अलावा आप 6 से 8 के बीच 1800123 1121 पर कॉल कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिहार सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उठाया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अब खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की सख्तियां देने पर विचार कर रही है। खनन एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव सौंपा है। इसकी जानकारी बीते दिन खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि इस नए कदम से न केवल अवैध खनन पर नियंत्रण मिलेगा, बल्कि सरकारी राजस्व की हानि को भी रोका जा सकेगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सारण के बारे में।
सारण का मुख्यालय छपरा है। सारण गंगा, गंडक, घाघरा नदी से घिरा है ये जिला। ये जिला सोनपुर मेला, चिरांद, पुरातत्व स्थल और राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर का मेला, नौलखा मंदिर, माँ कालरात्रि मंदिर, माँ अंबिका स्थान, सोन और गंगा नदी संगम स्थल। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर का मेला, नौलखा मंदिर, माँ कालरात्रि मंदिर, माँ अंबिका स्थान, सोन और गंगा नदी संगम स्थल, मढ़ौरा की कारखाना आदि। बिहार के डाकघर ने मोबाइल ऐप डाउनलोड में दिखाई अग्रणी भूमिका। बिहार ने मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के मामले में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस ऐप को अब तक 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं डिजिटल लेन देन करने वालों की संख्या में 50 लाख पार हो चुकी है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही खाता जमा राशि के मामले में भी बिहार का प्रदर्शन शानदार रहा। बिहार के डाकघरों में कुल 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि बैलेंस के रूप में जमा है। अब डिग्रियों में नहीं कर पाएंगे फर्जीवाड़ा, विद्यार्थियों को मिलेंगे यूनिक नंबर। राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में अंक पत्रों और डिग्रियों में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए राजभवन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के सभी 15 विश्वविद्यालय, 268 अंगीभूत महाविद्यालयों और 479 संबंध महाविद्यालयों को एक केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पहल के तहत हर विद्यार्थियों को एक यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा और उनके मार्कशीट तथा डिग्री में आधार कार्ड का QR कोड नंबर प्रिंट किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियों में सभी प्रकार की लाइट्स लगाना कानूनी नहीं है, जानिए कैसे। इन दिनों गाड़ियों में व्हाइट लाइट्स का फैशन जो है तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी प्रकार की लाइट्स लगाना कानूनी नहीं है। हैलोजन लैंप्स और कंपनी फिटेड LED लाइट्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल जायज है, लेकिन आफ्टर मार्केट में लगाई गई प्रोजेक्टर हैंड लैंप्स को लेकर नियम जो है काफ़ी सख्त है। इन प्रोजेक्टर लाइट्स के लगाने पर चालान का प्रावधान भी है और इसकी राशि 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हो सकती है। तो ध्यान रहे, किसी भी कार में 72 वाट से ज़्यादा का बल्ब लगाना भी अवैध है। BSNL ने उठाया बड़ा कदम, लॉन्च किए 3 बेहद सस्ते प्लान्स। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने 3 ब्रॉडबैंड प्लान की कीमतें घटाकर यूजर्स को एक नया तोहफा दिया है। BSNL ने हाल ही में अपने 3 प्रमुख ब्रॉडबैंड प्लान्स में कटौती की है, जिससे अब यूजर्स को पहले से ज़्यादा तेज इंटरनेट स्पीड का लाभ मिलेगा। नई कीमतों के अनुसार 249 रुपये, 299 रुपये और 329 रुपये वाले प्लान्स में इंटरनेट स्पीड अब 25 MBPS तक पहुंच गई है। पहले इन प्लान्स में इंटरनेट स्पीड 10 MBPS से 20 MBPS तक थी। बारिश के मौसम में ऐसे रखें सेहत का ख्याल। बारिश के मौसम में जलजमाव से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए भोजन से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं। इसके साथ साफ एवं ताजे भोजन का सेवन करें। जब आपको पानी पीना हो तो पानी को 20 मिनट तक उबालें, उसके बाद ही पिए। खुले में शौच ना जाएं। शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 डायल कर सकते हैं। वही आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवा के लिए आप 102 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं। ये जानकारी IPRD के जरिए साझा की गई है। बिहार के 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने गुरुवार को बिहार के उत्तरी हिस्से के 4 जिलों किशनगंज, सुपौल, अररिया और पश्चिम चंपारण में गरज तड़क के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में भी बारिश की संभावना जताई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पटना में 10 लाख जाली के
पटना के बाढ़ क्षेत्र में पुलिस ने 10 लाख जाली नोटों की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रुकनपुरा गांव में से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस की जांच में विभिन्न सरकारी दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं इस मामले पर ग्रामीण SP रोशन कुमार ने कहा कि दुकान पर बैठे हुए संतोष कुमार से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि प्रभात कुमार द्वारा जाली नोट तथा जाली दस्तावेज बनाकर उसका अवैध रूप से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पैसा कमाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अक्टूबर सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव किया गया है जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। बता दें जिन सुकन्या समृद्धि खातों को दादा दादी या नाना नानी ने खोला था, उन्हें अब कानूनी अभिभावकों या माता पिता के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। पहले दादा दादी द्वारा पोतियों के लिए खाते खोलने की प्रथा थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार ये अब संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त नए नियम के तहत अगर किसी परिवार में 2 से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं तो अतिरिक्त खातों को बंद कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से करेंगे जनसंवाद यात्रा। बीते दिन RJD नेता तेजस्वी यादव ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में RJD के सांसद, विधायक और पूर्व प्रत्याशियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। विशेष बात यह है कि इस बैठक को मीडिया से दूर रखा गया और उनके अंदर आने पर पाबंदी भी लगाई गई, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। तेजस्वी यादव ने बैठक के दौरान कहा कि 10 सितंबर से शुरू हो रही उनकी जनसंवाद यात्रा में वे जिले के एक्टिव कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और पार्टी की स्थिति, स्थानीय समस्याओं और राजनीतिक हालात पर फीडबैक लेंगे। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को लेकर जदयू का बड़ा दावा। बीते दिन ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजद अगले चुनाव में केवल 10 सीटों पर ही सिमट जाएगा। श्रवण कुमार ने राजद नेताओं की भाषा को लेकर भी टिप्पणी की। वही कार्यक्रम में मौजूद भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है, राजद शासन में कभी इसके लिए प्रयास ही नहीं किया गया। IPL 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बन सकते हैं द्रविड़। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ एक बार फिर IPL में वापसी कर रहे हैं और इस बार वे किसी खिलाड़ी की भूमिका में नहीं बल्कि हेड कोच के रूप में नजर आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार राहुल द्रविड़ IPL 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ एक नई डील साइन करने वाले। द्रविड़ का IPL के साथ पुराना नाता रहा है। उन्होंने 2012 और 2013 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की और 2014 तथा 2015 में टीम डायरेक्टर और मेंटर के रूप में काम किया। फिर 2016 में उन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स का रुख किया और 2019 में नेशनल क्रिकेट अकादमी के हेड बन गए। इसके बाद 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम की हेड कोच बने और उनके नेतृत्व में भारत ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता। अब अगर राजस्थान रॉयल्स द्रविड़ को हेड कोच के रूप में नियुक्त करता है तो वे IPL में टीम को पहली बार खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन रतन टाटा के नेतृत्व में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट की थी। आज ही के दिन 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 10 कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया। आज ही के दिन 1993 में भाला फेंक के भारतीय पैरा एथलीट अजीत सिंह यादव का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1986 में भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 30 अगस्त, ऑप्शन बी है 28 अगस्त, ऑप्शन सी है 27 अगस्त, ऑप्शन डी है 26 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 30 अगस्त।
हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही आंसर होगा गुजरात। हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है लालू यादव, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार और ऑप्शन डी है अखिलेश यादव। इसका सही आंसर होगा नीतीश कुमार। पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। इसका सही आंसर होगा 7। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है बरौनी बेगूसराय, ऑप्शन बी है फतुहा पटना, ऑप्शन सी है पूसा समस्तीपुर, ऑप्शन डी है दीघा घाट पटना। इसका सही आंसर होगा बरौनी बेगूसराय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, संजय कुमार शर्मा, कल्याणी चौधरी, रामनवमी माझी, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, विद्यासागर, संजीव कुमार, विनय कुमार, मोतीलाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है शिक्षक दिवस पर आप अपने प्रिय शिक्षक को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।